अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मुझे इतना ज़ुकाम, गला ख़राब है, इसीलिए जो है ना रात में लाइव भी नहीं आ सकी। और बस आप सब दुआ कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो चले अब सिर्फ चाय पीने की देर आते, फिर जा रहे हैं। मान नहीं था तो मैंने बोला चेंज बस। ओ बाबा आए हो, मैंने बोला व्लॉग डाल दो, फिर बाबा है ना उसको कहूंगा डाल देगा। मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है व्लॉग वाला, कहते हैं बाबर को कहूंगा व्लॉग डाल देगा। ठीक है अब अपना ख्याल रखिएगा और धीरे से मोटरसाइकिल चलाइएगा। अच्छा अब अपना ख्याल रखिएगा। चलो ठीक है, अल्लाह जी अल्लाह हाफिज। चलो ठीक, आराम से जाइएगा। ये 100 की स्पीड कम है। अभी तक भी अब्बू को अपना मोबाइल याद नहीं है। जी अब्बू थैला कपड़े वाला, हाँ मुझे दे। ना ना मजबूत है। ना नहीं है, ठीक है ठीक है अबू, अल्लाह हाफिज। अबू कुछ भूल तो नहीं रहे आप? तो यहाँ पे अबू को अबू के एक और दोस्त मिल गए। बस मास्क लगा के रखा करें अबू। मैं तो खाने के टाइम भी नहीं था। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें ठीक है अबू, खैर से जाएं, अल्लाह हाफिज। चलें जी, इतने दिन बाद आज हम जाते हैं अपने ऊपर वाले घर और देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। तो ये है मेरा फर्स्ट रूम जब मैं ऊपर रहती थी। तो इसको करते हैं ओपन। अरे ऊपर तो लाइट ही नहीं है, यूपीएस भी नहीं है। तो ये है जी मेरा ऊपर वाला रूम, जहाँ पे टोटल मेरे बर्तन पड़े हुए हैं दहेज के, और बाकी ये सामान कुछ मैंने निकाल के रखा है जो मुझे साथ लेके जाना है। ये मेरा लैपटॉप बैग है और ये मैंने साथ लेके जाना है ट्रैवल में। तो ये जी हस्बैंड के कपड़े हैं, इस्त्री किए हुए ही, हैंगर किए हुए ही मैंने रख दिए थे, अब इनको भी निकाल लेते हैं। और अच्छा हुआ कि लाइट आ गई। तो ये जो है ना मेरे पिछले साल के 2 सूट हैं गरम जो मैंने रख दिए थे। ये जो है ना ये अब मैं सिलाई करवा लूँगी, जैसे अभी आपको पता है सर्दियों का सीज़न आने वाला है। तो मेरे हस्बैंड कितने दिन से कह रहे थे बेगम मेरे ट्राउज़र निकाल दें, क्योंकि वो जिम करने जाते हैं तो फिर शलवार कमीज़ में उनको होती है उलझन। मैंने कहा चलें आज सारे काम एक साथ ही कर लेते हैं। फिर ये देखें 2 तो इनके अभी तक न्यू के न्यू पड़े हुए हैं, इन्होंने यूज़ भी नहीं किया। तो चलें अभी निकाल लेते हैं, अभी सर्दियों में बहुत काम आएंगे, सर्दियों में ही यूज़ करते हैं बस, सर्दियों में जिम जाने के लिए या ऐसे नॉर्मल रूटीन में भी पहने जाते हैं। गर्मियों में तो आपको पता है और भी गर्मी करते हैं ऐसे कपड़े। कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने आती हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये जब मेरी शादी के ड्रेसेस सिलाई करवाए गए थे मेरे आने के बाद, मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी हुई थी तब की बात है। मेरे ड्रेस में से कपड़ा बचा था तो मेरी सास ने कहा था ये रख लो, जब तुम्हारी बेटी होगी तो हम उसका जो है ना फ्रॉक बनाएंगे, ये ऊपर की पेटी हो जाएगी और नीचे ना ऐसे सादा वेलवेट लगा देंगे। तो ये मैंने तब से जो है ना संभाल के रखा हुआ है, मेरी सास की निशानी के भी उन्होंने ऐसे कहा है। तो जब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर मुझे बेटी दी तो मैं उसकी बनवाऊंगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये ना मैं मेरी देवरानी की बेटी को दे देती हूँ, वो अपनी बेटी का फ्रॉक सिलाई करवा लें। ये देखें ये जो है ना मेरे जो वलीमा का ड्रेस था ना, ये उसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ थी और ये आज तक मैंने संभाल के रखी हुई हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो गई इसको देख के, हालांकि अब इनका कलर जो है ना बहुत डल हो गया,
जब ये न्यू थी ना, इतनी शाइनिंग और इतनी खूबसूरत थी, तो अब इनका कलर तो वैसा नहीं रहा, लेकिन याद तो ताज़ा हो गई है देख के। तो मैं ऐसी ना चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ मेमोरीज़ के लिए। आप भी बताइएगा आप में से कौन कौन जो है ना ऐसी मेमोरीज संभाल के रखते हैं। और पुरानी यादों में मुझे एक और घड़ी मिल गई है, इसको दोबारा पहनूंगी। मेरी अम्मी की डेथ होने से पहले ना, मेरी अम्मी ने आखिरी ईद पर मुझे ये वाला ड्रेस सिलाई करवा के दिया था, और मैंने इसको आज तक भी संभाला हुआ है अपनी अम्मी की याद। इसको पहना नहीं मैंने बाद में, और तब जो है ना इतनी थी मेरी वेस्ट, तब मतलब मैं ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में ही मेरा वेट बढ़ा है बीमारियों से, जैसे देखें चीज़ें रह जाती हैं। आज तक ये सूट वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया, मैंने इसको पहना ही नहीं बाद में, बस इस पर ऐसे संभाल के ही रखा हुआ, क्योंकि मेरी अम्मी ने ये मुझे आखिरी सूट सिलवा के दिया था। ये मेरी अम्मी की याद है मेरे पास। मैं जब भी गर्मियों के सर्दियों के ड्रेस निकालती हूँ ना, ये अम्मी का सूट मेरे सामने आ जाता है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत में आला मकाम दे, बस वो अच्छी जगह पर हैं। हम जहाँ पर हैं ना, ये जगह अच्छी नहीं है, वो अच्छी जगह पर हैं, वो सुकून में हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये देखें, ये तमन्ना मेरे साथ थी, और तब हम लोग कहीं गए थे, ट्रैवल किया था, तब मैंने ये तकिया लिया था, और ये भी मेरे पास ऐसे कैसे पड़े। अब मैं इसको अपनी गाड़ी में रखूँगी। और ये छोटा सा पिलो जो है ना, ये मैंने मदीना से लिया था, 5 रियाल का मेरे ख्याल से मिला था उस टाइम हमें। तो ये जो है ना, ये मदीना का पिलो है। चलें जी, जो चीज़ें लेनी थी ले ली, अब चलते हैं नीचे। चलें जी, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। चलें जी, पहुंच गए हम डॉक्टर के क्लिनिक। चलें जी, अभी हम जा रहे हैं घूमने लॉन्ग ड्राइव पे रात में, और मौसम इतना ठंडा ठंडा मज़ेदार है, मैं आपको क्या बताऊं क्या बताऊं, फिर भी बताना पड़ रहा है, कैसे बताऊं। फिर आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा मौसम है। ये देखिए, लकड़ी वाला बेचारा बैठा हुआ है कि मेरी लकड़ियां सेल हो जाएंगी। YouTube फैमिली देखिए, लकड़ी वाला कितनी मेहनत कर रहा है। ये देखें, सर्विस पंप बंद हो गया, फिर यहाँ पे लड़के जो है ना गपशप लगा रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और कोई नहीं दिखा सकता। देखें, इतने सारे लड़के ग्रुप बना के खड़े हुए हैं, और अभी जो है ना हम लोग ये चौक क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पे गाड़ी तेज़ी से आ रही है, रुक जाइए। हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना है, चलते जाना है। चलें चलें, अरे हमने चौक क्रॉस कर लिया ये। और मैं गिर ना जाऊँ इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड का कमीज़ मतलब चोला पकड़ा हुआ है। तो YouTube फैमिली, मेरे हस्बैंड यहाँ से बार बार अपना मुंडा हिला रहे हैं कि मेरा चोला छोड़ दीजिए, पर मैंने नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊँगी, इसलिए मैं पकड़ के बैठूँगी, नहीं छोड़ूंगी। ये देखें, पकड़ा हुआ है मैंने अच्छे से। और आपको एक और चीज़ भी दिखाऊँगी YouTube फैमिली। YouTube फैमिली देखें, आज मैंने जो है ना तेरे नाम वाली घड़ी पहनी है। इसको ऐसे करो तो बिल्कुल आपकी कलाई में आ जाएगी। देखें, तेरे नाम वाली घड़ी, तेरे नाम वाली ब्रेसलेट तो आपने देखी होगी, तेरे नाम वाली घड़ी आपने कभी देखी है, वो मेरे पास है। तो चलें YouTube फैमिली, अभी हम घर पहुंच गए हैं, और यहीं पे हमारा व्लॉग भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। गई हूँ मैं रेडी, और जा रहे हैं वॉक पे। और ये रहे मियाँ जी, चलें जी हम लोग आ चुके हैं चौक पे। चलें जी, ये रहा सिटी स्वीट,
अब हम जाएंगे सटलर टाउन की तरफ। और ये देखे मेरे मियाँ पीछे रह गए, मैंने इनको हरा दिया। बंदा भाग भाग के मेरे पीछे पहुंच ही गया आखिर, ये देखें। चलो जी, ये हमारी सटलर टाउन की स्ट्रीट है, इसको भी हमने पार कर लिया है। तो यहाँ से पैदल हम लोग अपने घर से निकले, यहाँ पे पहुँचे अवामी पे। ये सामने ही बैठक होटल है। चलो जी, यहाँ से हम चलते हैं। आइसक्रीम वाले भाई खड़े हुए हैं, उनकी वीडियो बनाई मैंने। अभी हमारा आगे का सफ़र, उनके काम देखें, आधी रात को रोड पे स्टंट मार रहे हैं। ये देखें, ये ना बाइक को साथ मिला के स्टंट मार रहे हैं। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम रात में आते हैं। हमने तकरीबन पूरा सटलर टाउन बाहर बाहर से घूम लिया। चलें जी, फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और बहुत थक गए हैं। और आज का ब्लॉग भी इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।